बंधातन दोस्तों वाक्षी के समित वाद विजय के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। उम्मीद है आपके यहाँ पे सब कुशल मंगल होगा, आपके आशीर्वाद से हमारे यहाँ सब कुशल मंगल, सब अच्छा है। और ये सब कुछ अच्छा होने का एक रीज़न जो मुझे समझ में आता है वो ये कि व्यस्तता बहुत ज़्यादा है। सुबह से शाम तक जब अच्छे अच्छे इतने सारे कार्य हों करने के लिए और उनके अंदर हम लगे रहते हैं तो एक अलग ही ऊर्जा है जिसको हम महसूस कर पाते हैं, एक अलग ही शांति है, एक अलग ही उत्साह है जो महसूस हो पाता है। तो ईश्वर से तो यही प्रार्थना है कि यही उत्साह, यही ऊर्जा पूरे भारतवर्ष में सभी लोगों तक जो है वो पहुंचे। आज की जो मैं वीडियो बना रहा हूं वो मैं बना रहा हूं एक नया उत्पाद जो हमारे बीच में आया है। अब देखिए पिछले 5-6 सालों के अंदर हमने एक मैकेनिज़्म निकाला है जिस मैकेनिज़्म के थ्रू अगर कोई व्यक्ति उसको फॉलो करने में कामयाब हो जाए तो किसी भी विटामिन और मिनरल की डेफिशिएंसी उसके शरीर में नहीं हो सकती। हमने मोरिंगा को आपके खाने के अंदर डलवाया, अभी अभी करी पत्ते का पाउडर आपने देखा होगा उसका एडवर्टीज़मेंट वाक्षी बहुत कर रही है कि अपने खाने के अंदर डालो। कहने का मतलब है अगर सुबह से शाम तक हमारे बच्चे जो बैलेंस डाइट हमारे पूर्वजों ने कही है वो खाने लग जाएं, सूर्य की रोशनी हम तक अच्छी पहुँचने लग जाए, भगवान सूर्य को नमस्कार करना शुरू कर दें, जितनी चीज़ें वाक्षी ने पिछले 6-7 साल में बताई है वैसा अगर कुछ करने लग जाएं। हमने इसके अंदर 7 सूत्र की वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने नहीं देखी तो वाक्षी 7 सूत्रा ऐसे करके एक वीडियो को टाइप करिए आप, तो उसके अंदर 7 हमने सूत्र बताए हैं जो व्यक्ति उसको फॉलो करने लग जाए उसमें विटामिन मिनरल की डेफिशिएंसी नहीं हो सकती। और इसका सबसे बड़ा जो प्रमाण है वो मेरा परिवार माना जा सकता है। मेरे परिवार को मैंने बहुत बार वीडियोस में बताया है, पुरानी दिल्ली के लोग हैं, खाने पीने का बड़ा शौक रखते हैं, टिक्की गोलगप्पे ये सब कुछ रखते हैं, लेकिन उस परिवार को भी इस तरह की डेफिशिएंसी से, इस तरह की बीमारियों से जहाँ पे मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होने के चांसेस थे उनको हम बचाने में काफ़ी हद तक कामयाब हुए हैं। बहुत बड़ी अचीवमेंट है जिसमें कहा जाता है फूड इज़ द बिगेस्ट मेडिसिन, भोजन जो वो सबसे बड़ी दवा के रूप में काम करता है। इसका सीधा प्रत्यक्ष प्रमाण मेरे घर में देखा जा सकता है। जबकि मैं ये बता दूं कि हमारे घर के अंदर जीभ के चटोरे सबसे ज़्यादा हैं, तो ऐसे लोगों का तो स्वास्थ्य अच्छा हो नहीं सकता, लेकिन किसी तरीके से संतुलन बनाकर जो है काफ़ी हद तक उसको मेंटेन करने की कोशिश की गई है। जब आप देखेंगे कि जिस तरीके से जैसी उनकी प्रवृत्ति है उस हिसाब से उनका स्वास्थ्य अगर हम देखेंगे तो काफ़ी हद तक बैलेंस बनाने में कोशिश की गई है। तो मेरा ये कहने का मतलब है अगर वो सारी चीज़ों का समावेश हमारे घरों में करने लग जाएं, अपने पुराने पूर्वजों की बातों को सुनकर उनका अनुसरण करने लग जाएं, तो किसी तरह का रोग शरीर में आसानी से एंटर ही नहीं करेगा। सर्दी ज़ुकाम एक ऐसी चीज़ है जो हमारे घर के अंदर ऑलमोस्ट पहुंचनी बंद हो गई है। इस समय पे पूरी वैशाली गाज़ियाबाद में ना जाने कितने घर हैं जो वायरल से ग्रस्त हैं। अपने परिवार में आ रहा है लेकिन हम उसको च्यवनप्राश की मदद से, बाकी चीज़ों की मदद से रोके बैठे हुए हैं और वो काम कर रही है, बच रही है। तो ये बहुत सारी ऐसी अचीवमेंट्स हैं जो भोजन के माध्यम से हम पाने में कामयाब हुए हैं, लेकिन पूर्ण निरोग्यता ये नहीं, मतलब ये एक बहुत मुश्किल चीज़ है और ख़ासकर जब आप दिल्ली NCR के आसपास के क्षेत्रों के अंदर हो तो बहुत मुश्किल हो जाती है। मैंने अभी कुछ दिन पहले जो थी ये वीडियो और अपनी पोस्ट में भी डाला था, 457 एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच चुका है। जो पैरामीटर है ना, जो वो पूरा का पूरा स्केल है जो सरकार ने बनाया, वो 500 तक ही है। और आनंद विहार पर अभी 3 दिन पहले जो पॉल्यूशन का पैरामीटर था वो 457 को टच कर रहा है, हैजार्डस की श्रेणी में जा चुकी है ये हवा जिसे हम इनहेल कर रहे हैं। अब सोचो ऐसी दो हवा, ऐसा पानी, ऐसी वायु और बची कुची जो भोजन के अंदर लोग मिलावट कर रहे हैं, जो वायु जीने के लिए क्या चाहिए, वायु चाहिए, जल चाहिए, भोजन चाहिए, तीनों ही आपने भयंकर रूप से हैजार्डस कर दिए तो करेंगे क्या, ना पैसे का कुछ कर सकते हैं ना किसी चीज़ का कुछ कर सकते हैं। तो इन सारी मुश्किलों के साथ में जूझते हुए वाक्षी का प्रयत्न हो रहा है आपके परिवारों को जितना हो सके रोगों से बचा कर चले। बहुत सारी जगहों पर हम कामयाब होते हैं, बहुत सारी जगहों पर हमें कामयाबी नहीं मिल पाती है, लेकिन हम कम से कम प्रयासरत हैं कि मिलकर वाक्षी के जितने बेनिफिशरीज हैं उन परिवारों को तक अच्छी सेहत पहुंचाने की लगातार कोशिश चलती रहे। अब इस कोशिश में हमारे सेगमेंट में हमारे परिवारों के साथ में जुड़े हुए वो लोग जो ये कहते हैं वरुण जी समय ही नहीं है, आप बता रहे हो अच्छा है, मैं अपने परिवार को बताता हूँ, नहीं मानते, क्या करूँ, अब ये रिपोर्ट आ गई, रिपोर्ट में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी आ गई तो क्या करूँ मैं। अब इसमें जो आप प्रक्रिया बता रहे हो वो तो प्रतिदिन की प्रक्रिया है ना भाई, धीरे धीरे करके अच्छे संस्कार घर में आएंगे तब जाके होगी। अब इस विटामिन B12 का क्या करूं जो कम हो गया, उस विटामिन डी का क्या करूं जो कम हो गया। ऐसे केस में उन लोगों के लिए फॉर्चुनेटली एक कंपनी है जो आई है जिसमें इसका नाम है प्योर न्यूट्रिशन, इसको हमने मौका दिया। अब इस कंपनी ने क्या किया, इस कंपनी ने ये किया है कि इसने विटामिन B12 के और विटामिन डी के, सबसे ज़्यादा आप लोगों को इसी की डेफिशिएंसी है, इन दोनों के इन्होंने कैप्सूल निकाल लिए। मार्केट में मिलने वाले कैप्सूल के मुकाबले ये कैप्सूल किस तरह से अलग हैं इसको थोड़ा समझना है। मार्केट में जितने भी हैं कैप्सूल्स उसके अंदर 2-3 तरह की दिक्कत है।
पहली दिक्कत तो एक ये भी आती है कि वेजिटेरियन कैप्सूल नहीं होते, जानवरों की चर्बी से जेलेटिन से बनते हैं तो वेज कैप्सूल नहीं मिलते। चलिए कोई बात नहीं, वो अगर मिल भी जाते हैं तो दूसरी बात, उसके अंदर जो डलने वाला मटेरियल है वो रॉ मटेरियल इन्फीरियर क्वालिटी का डाला जाता है। लैब के अंदर जो डिज़ाइंड हमारे केमिकल कंपाउंड होते हैं केवल उनको डाला जाता है, नेचुरल सोर्सेज से नहीं निकाले जाते। ये शरीर में जाके नुकसान भी कर सकते हैं या फ़ायदा ना करें ये कह सकते हैं हम, तो ये चीज़ होने के चांसेस बहुत होते हैं। और उसके बाद में तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो कंपनीज हैं उनके ऊपर किसी तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं होती, किस तरह का मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, कैसा है, वो ऑर्गेनिक श्रेणी का है, ऑर्गेनिक तो उसमें आता ही नहीं क्योंकि सारा ही केमिकल लैब में बना हुआ है। तो ये जो ये वाली कंपनी है प्योर न्यूट्रिशन, जिसको मैंने अभी बताया, ये न्यूट्रासिटिकल्स की श्रेणी में आती है। ये लोग क्या कोशिश कर रहे हैं, पहले विटामिन 12 और विटामिन डी जहाँ से भी थोड़ा बहुत, क्योंकि नेचुरल सोर्सेज में बहुत ज़्यादा मिलता ही नहीं, जो थोड़ा बहुत कहीं से मिल सकता है उसके ऑर्गेनिक वर्जन को लाकर वहाँ से निकाल कर कैप्सूल में डाल रहे हैं। बचा हुआ जो है वो सुपीरियर क्वालिटी का जो आपका रॉ मटेरियल है उसका यूज़ करके इसके अंदर जो है डाला जा रहा है। तो मार्केट के मुकाबले थोड़ा सा आपके लिए बेटर ऑप्शन हो गई कि विटामिन डी अगर कम है, विटामिन B12 अगर कम है तो उसमें मदद मिलेगी। एफिकेसी को जानने के लिए कंपनी ने कमिटमेंट दिया। हमने इस कंपनी को चूज़ क्यों किया, क्योंकि जो नेचुरल सोर्सेज जहाँ से ये लेकर आ रही है उसके लिए बैकग्राउंड पे इन्होंने ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन दिए हुए हैं। तो ऑर्गेनिक इंडस्ट्री में मैं ये कह सकता हूँ पहली कंपनी है न्यूट्रास्यूटिकल्स में जो ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट से कुछ कैप्सूल बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन जैसा मैंने बताया 100% तो ये नेचुरल सोर्सेज में अवेलेबल ही नहीं होते, विटामिन बी डी, विटामिन B12, तो 100% ऑर्गेनिक सारे नेचुरल सोर्सेज से आइए मुश्किल है। तो ऐसी कंपनी पे केवल हम ये विश्वास करते हैं या इनसे बातचीत करके हम कोशिश करते हैं, भैया कुछ भी बना रहे हो थोड़ा अच्छा सोच समझ के बनाओ ताकि लोगों को फ़ायदा कर सके। उस जगह पे हमें लगता है कि मार्केट के मुकाबले ये कैप्सूल्स आपकी ज़्यादा अच्छी मदद कर सकते हैं। तो अगर अभी भी आप सारी चीज़ों को फॉलो कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, जूझ रहे हो निरोग्यता की तरफ आने के लिए, लेकिन रिपोर्ट में विटामिन B12 और विटामिन डी वगैरह ये आपके कम आ रहे हैं, तो वाक्षी की तरफ से ये ऑप्शन आपको दी जा रही है। 2 कैप्सूल इसके दिन में लेंगे, कंपनी ने क्लेम किया है 3 महीने अगर ये कैप्सूल खाएंगे तो आपको रीडिंग में डिफरेंसेस निश्चित रूप से दिखेंगे। तो आप लोग इस तरह के कैप्सूल्स लेकर आप अपना यूसेज, अगर आपकी रिपोर्ट अभी तक अच्छी नहीं चल रही तो आप अपनी उसको रिपोर्ट को ठीक कर सकते हैं, 3 महीने यूज़ करिए। मनी बैक गारंटी यूजली वाक्षी के पास में रहते ही है, पूरा सपोर्ट आपको पीछे से दिया भी जाएगा। तो मेरे हिसाब से एक न्यूट्रास्यूटिकल्स में है, अगर आपकी रिपोर्ट में आपको लगता है कि विटामिन B12 और विटामिन डी का अच्छा सोर्स आपको नहीं मिल पा रहा, तो एक अच्छे उत्पाद आपके पास आए जिनका आप अनुसरण कर सकते हैं, जिनको यूज़ कर सकते हैं और इससे अपने परिवार को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। कैप्सूल्स की श्रेणी में हमारे पास में, हम पिछले 5 साल से ये ऑर्गेनिक वेलनेस के कैप्सूल्स को प्रेफर कर रहे हैं। इनकी खास बात क्या है, ये क्या न्यूट्रास्यूटिकल श्रेणी नहीं है। जैसा मैं कैप्सूल्स के बारे में बता रहा था, वेज कैप्सूल्स हो गए, जेलेटिन यूज़ नहीं हुआ, जितनी भी सामग्री है, जैसे मैंने ये लिया है ये लिपिड फिट है और ये समझ लो ये आसानी से समझोगे आप ये ब्राह्मी कैप्सूल है। तो इसमें क्या होगा, कैप्सूल जो होगा वो वेज सेलुलोज से बनेगा, उसके अंदर एक्चुअल जो ब्राह्मी की जड़ी बूटी है उसी को पाउडर करके केवल डाला जाएगा, बाहर का कोई इंग्रेडिएंट नहीं डल सकता, ऑर्गेनिक सर्टिफाइड रहेगा। तो खाने लायक चीज़ें क्या हैं, ब्राह्मी की जड़ी बूटी का जो एक्चुअल पाउडर होता है, जूस होता है, उसको पी लो, वो नहीं पी सकते इस तरह के कैप्सूल खा लो। ऐसा खाने के बाद में बॉडी की अगर रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही और परेशानी हो रही है तो इस तरह के न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट को ले लो। तो तीनों श्रेणी जो है वो वाक्षी पे पूरी की जा रही है। हमें उम्मीद है कि इनका फ़ायदा उठाकर शरीर को निरोग्यता प्रदान करने की आप कोशिश करेंगे। बड़े पूर्वजों ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, मेरे एकदम ध्यान में आई तो मुझे लगा वीडियो के माध्यम से आपको बता दूं। उन्होंने कहा था अगर पैसा गया तो कुछ नहीं गया, पैसा गया तो कुछ भी नहीं गया, सेहत अगर गई तो काफ़ी कुछ गया, सेहत अगर गई तो काफ़ी कुछ गया, दोबारा सेहत को वापस लाने में बहुत मुश्किल होगी, चरित्र अगर चला गया तो सब कुछ चला गया। तो ये एक मेरे ख्याल से एक बहुत अमूल्य जो है ये उनके दिए हुए ज्ञान है, इसको हमारे परिवार तक, बच्चों तक ज़रूर पहुंचा के रखें। चरित्र को, व्यवहार को, धर्म को सबसे ऊपर रखते हुए शरीर की निरोग्यता, ये शरीर हमारा अंत समय तक हमारा साथ देने वाला है। और ये बात पक्की है कि ये जो लोग सोचते हैं चल जाएगा, नहीं चलने वाला। मैंने अभी एग्जाम्पल दिया है, वायु, जल, भोजन पहले ज़माने में चल जाता था, हमारे पूर्वजों ने नियम ऐसे बनाए हुए थे, बैठना, आप सुबह मोशन भी जाते थे तो आपको एक आसन मलासन जो है करवा दिया जाता था, ये सारी चीज़ें हमने अपने परिवारों से, अपने दिनचर्या से निकाल दिया। तो रोगी तो हम होंगे ही होंगे, फर्क सिर्फ इतना है जो व्यक्ति कोशिश कर रहा है, लगातार चिंतन कर रहा है, थोड़ा प्रयास कर रहा है, वो फिर भी कुछ हद तक बचा हुआ है।
तो हम 100% में से 100% तो निरोगता नहीं प्राप्त कर पाएंगे, मुश्किल है इस समय पे। लेकिन जो लोग कोशिश कर रहे हो, कहते हैं ना पासिंग मार्क्स है, तो कम से कम डिस्टिंक्शन से 70-75%, 60-65-70% अपना निरोग्य रखने में कामयाब हो गए तो उतना भी काफ़ी है। तो वाक्षी का यही प्रयत्न है कि सारे परिवारों के साथ लगातार चिंतन करके वो कम से कम फेल की श्रेणी में हम ना आए, क्योंकि शरीर के अंदर जब रोग आ जाएगा तो आप और हम परेशान हो जाएंगे, निकाल नहीं पाएंगे। इसीलिए शरीर को इतना मजबूत बनाने की कोशिश करें कि रोग आसानी से एंटर ना करें। और सच में ये बहुत मुश्किल चीज़ें हैं जो पर्यावरण की दृष्टि से मैंने आपके साथ साझा करी। आप सबका आशीर्वाद है कि वाक्षी इस समय चार क्षेत्रों पर लगातार काम कर रही है। पर्यावरण में एक बहुत अहम भूमिका है जो हमारे हाथ में दी गई है, जिसके ऊपर हम लगातार काम कर रहे हैं, निरंतर काम कर रहे हैं। वैदिक गुरुकुल से बच्चों को, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कल को जाके हमारे राष्ट्र के कल्याण के लिए कार्य करें, उसके ऊपर निरंतर हमारा फोकस चल रहा है और बहुत बड़ा कार्य जो हम उसके अंदर करने का प्रयत्न कर रहे हैं। तीसरा, गौ सेवा, गौ माता की रक्षा, क्योंकि गौ माता अगर नहीं होगी तो धरती पे भोजन बनना ही बंद हो जाएगा। हमने गौ माता का तिरस्कार किया, हमारे बच्चों को ना दूध मिल रहा है ना भोजन मिल रहा है, इसलिए गौ सेवा ये तीसरा प्रकल्प हमने उठाया हुआ है। और चौथा, आप सबके आशीर्वाद से हम जैविक खेती में लगे हुए हैं। ये चार वो संकल्प है जिस पे इस समय वाक्षी लगातार निरंतर कार्य कर रही है। आप सबके आशीर्वाद से बहुत अच्छा हम वैशाली गाज़ियाबाद में जो है इस सारी चीज़ों को करने में कामयाब हो रहे हैं। अपने आसपास लगातार कोशिश करते रहिए, देश को, विश्व को धर्म की आवश्यकता है। ना जाने कब तक हम इस पथ पर चल पाएंगे, लेकिन जब तक चल सकते हैं धर्म पूर्वक अपने कर्म के मार्ग के ऊपर लगातार चलते हुए। ईश्वर भी कुछ नहीं कर सकता जब तक उसके भेजे हुए लोग जो हैं वो कुछ अच्छा करने का प्रयत्न ना करें। तो निरंतर उन्होंने ही प्रेरणा दी है, उनकी प्रेरणा से आगे बढ़ रहे हैं। आप सबका आशीर्वाद और सपोर्ट हमारे साथ है, कोशिश करते रहिए। वाक्षी के साथ अगर आसपास रहते हो तो जुड़कर काम करिए, अपनी जगह पे रहते हैं तो व्हाट्सएप हमें करिए, जुड़िए। ऐसा मत सोचिए मैं बेंगलोर में रहता हूँ, मुंबई में रहता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। सोचो, दिमाग लगाओ, काम करना शुरू करो, बहुत अच्छे काम जो है वो हमारे देश में किए जा सकते हैं। और सच में देश और विश्व को अच्छे लोगों की आवश्यकता है, अच्छे लोग जो दिल के हैं, केवल वही नहीं जो सच में अच्छे काम करके कोई बदलाव लेकर आ सके देश में, इनकी बहुत ज़रूरत है। पूरी दुनिया के अंदर इस समय पे जो है अधर्म जो है वो धीरे धीरे फैलता जा रहा है, धर्म का पलड़ा जब तक हम उसको भारी नहीं करेंगे तब तक हम अधर्म को भी रोकने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। और ये जितनी चीज़ें आप देख रहे हो, ये सारी की सारी मिलावटी भोजन का होना, प्रदूषण का होना, ये सब इसलिए है क्योंकि हमने अपने दायित्वों के बोध को हमने ख़त्म कर दिया। थोड़ा थोड़ा प्रयास करते रहिए, बचाने में कुछ हद तक कामयाब हो जाएंगे। भारत वंदे मातरम।